Hello everyone, this is Pradip Aryan and you are watching our channel Allied English Classes. और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे होमोफोन्स के बारे में कि आखिर होमोफोन्स क्या होते हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि होमोफोन्स को हिंदी में सम ध्वनीय भिन्नार्थक शब्द कहते हैं. अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम as another word but that has a different spelling and meaning. मतलब कि जब दो या दो से अधिक शब्द उच्चारण करने में एक जैसे ही हों लेकिन अर्थ में और स्पेलिंग की बात करें तो ये अलग अलग होंगे. तो चलिए आज हम कुछ होमोफोन्स के बारे में जानते हैं. पहला हमारा होमोफोन है अडप्ट. आप देख पा रहे होंगे दो जगह अडप्ट लिखा हुआ है और दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है. ए डी ए पी टी का मतलब यहाँ पर है ढाल लेना या अनुकूल बना लेना और ए डी ओ पी टी का मतलब है अंगीकार कर लेना या स्वीकार कर लेना. एग्जाम्पल्स साथ में दिए गए हैं तो एक बार एग्जाम्पल्स भी आप देख लीजिए. नंबर टू है एक्सेप्ट. दोनों की स्पेलिंग्स अलग अलग हैं. ए डबल सी ई पी टी और दूसरे की है ई एक्स सी ई पी टी. एक का अर्थ होता है स्वीकार करना और दूसरे का अर्थ है अतिरिक्त. इसी प्रकार तीसरा देख लीजिए बर्थ. बी ई आर टी एच बैठने या सोने की सीट और बी आई आर टी एच जन्म. चौथा हमारा है चेक. सी एच ई सी के मतलब कि रोकना और दूसरा है हमारा सी एच ई क्यू यू ई मतलब कि बैंक का चेक. अगर हम पांचवें की बात करते हैं तो कोर्स. स्पेलिंग दोनों की अलग अलग हैं. सी ओ यू आर एस ई मतलब पाठ्यक्रम या रास्ता और दूसरा है हमारा सी ओ ए आर एस ई मतलब कि घटिया या मोटा. छठा है हमारा डाई. एक डाई का मतलब होता है मरना और दूसरे डाई का मतलब होता है रंगना और दोनों की स्पेलिंग अलग अलग हैं डी आई ई और डी वाई ई. सातवां देख लेते हैं एलिजिबल. चुने जाने योग्य और दूसरा भी एलिजिबल है लेकिन इसका मतलब होता है अस्पष्ट. दोनों की स्पेलिंग अलग अलग हैं आप देख लीजिए. आठवां देख लेते हैं एफ ए आई आर और एफ ए आर ई दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन फेयर होता है और एक का मतलब होता है मेला और दूसरे का मतलब होता है किराया. आप साथ साथ एग्जांपल्स भी देखते चलें ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए. नंबर नाइन गेट. एक गेट का मतलब होता है फाटक जिसकी स्पेलिंग होती है जी ए टी ई और दूसरे गेट का मतलब होता है चाल जिसकी स्पेलिंग होती है जी ए आई टी. नंबर दस लेटर. एल ए टी ई आर मतलब कि बाद में और एल ए डबल टी ई आर मतलब कि क्रम अनुसार बाद में आने वाला. नंबर इलेवन लूज. एल डबल ओ एस ई लूज का मतलब होता है ढीला और एल ओ एस ई का मतलब होता है खो देना. नंबर ट्वेल्व की बात कर लेते हैं हम तो पी आर ए वाई और पी आर ई वाई. एक का मतलब होता है प्रार्थना करना और दूसरे का मतलब होता है शिकार करना या शिकार होना. पी आर आई एन सी आई पी ए एल प्रिंसिपल. पी आर आई एन सी आई पी एल ई प्रिंसिपल दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन प्रिंसिपल है लेकिन एक का अर्थ होता है प्रधानाचार्य और दूसरे का अर्थ होता है सिद्धांत. पेयर पी ए आई आर मतलब कि जोड़ा. पी ए आर ई मतलब कि काटना. क्वाइट क्यू यू आई टी ई क्वाइट का अर्थ होता है बिल्कुल और क्यू यू आई ई टी क्वाइट का अर्थ होता है शांत. वेस्ट डब्ल्यू ए एस टी ई वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना और डब्ल्यू ए आई एस टी वेस्ट का मतलब होता है कमर. तो इस प्रकार हमने जान लिया कि
होमोफोन्स क्या होते हैं और हमने कुछ होमोफोन्स को पढ़ भी लिया है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको और अधिक होमोफोन्स के बारे में बताऊंगा, एक पूरी सीरीज होमोफोन्स के लेके आऊंगा ताकि आप और अधिक होमोफोन्स को समझ पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर चैनल एलाइट इंग्लिश क्लासेस। हैव अ नाइस डे।